फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। एक नजर आते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति का प्रभारी प्रबंधक निकला करोड़पति। जबलपुर लोकायुक्त टीम के द्वारा की गई छापेमार कार्रवाई। पहली जांच में ही 1,41,00,000 रुपए की संपत्ति हुई बरामद। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति विदिशा में पदस्थ है संतोष भगत। किसान की एक बार फिर गांधीगिरी आई सामने। सरकार ने मांगी रिश्वत तो सड़क पर फसल रख बेचने लगा किसान। दमोह चना खरीदी केंद्र का मामला। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने भ्रष्टाचारी सर्वेयर का बचाव करते हुए देखे गए। पूर्व मंडी अध्यक्ष पर जानलेवा हमला। निशाना चूका, गाड़ी के टायर में लगी गोली। इटना इलाके के पूर्व मंडी अध्यक्ष जितेंद्र सिंह रावत के ऊपर दो युवकों ने किया जानलेवा हमला। वन विभाग की संयुक्त टीम ने दाबरी के महेंद्रगढ़ चुंगी के पास छापा मारकर अवैध लकड़ियों की संख्या के मुताबिक 41,900 रुपए का ठोका जुर्माना। नागपुर रेलवे स्टेशन पर मिले डेटोनेटर में विस्फोटक की मात्रा बेहद कम। स्टेशन परिसर में पाए गए 54 डेटोनेटर मुख्य द्वार पर लावारिस पड़े। बैग में हुए बरामद विस्फोटक की जांच में पुलिस जुटी। 30 वर्षीय महिला निकली ड्रग तस्कर। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली की तस्करी करने वाली महिला नारकोटिक्स सेल के लगी हाथ। उसके पास से नशीला पदार्थ स्मैक बरामद। पकड़ी गई महिला अजीत नगर पुलिया झुटी बस्ती की है रहने वाली। मंदसौर में तालाब में डूबने से 3 लड़कियों की मौत। एक ही परिवार की थी तीनों लड़कियां। मृतकों में गायत्री, राधा और आरती शामिल। मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र के ग्राम दलापदा में हुआ घटना। जोधपुर में सोमवार को खनन क्षेत्र में भरे पानी में नहाने के लिए उतरे 4 बच्चों की डूबने से हुई मौत। घटना के बाद राज्यपाल कलराज मिश्रा और सीएम अशोक गहलोत ने व्यक्त की शोक संवेदना। चारों की उम्र 8 वर्ष से 12 वर्ष के बीच। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम का एक विवादित वीडियो हो रहा है वायरल, जिसमें सुना जा रहा है कि बारहवीं की तरह 22 में ज्ञानवापी मस्जिद को करेंगे ध्वस्त। उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर हुआ हंगामा। कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ शुरू, लेकिन पहले दिन सर्वे होने के बाद दूसरे दिन के सर्वे के टीम मस्जिद के अंदर जाने को लेकर हुआ हंगामा। मसूरी देहरादून मार्ग पर टकराए तो वाहन यूपी के 3 लोग हुए घायल। मसूरी में जेपी बैंक के पास हुई घटना। एक महिला और 2 पुरुषों को आई चोट। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। हापुर में अलग अलग हुए 2 सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत की खबर। मरने वालों में 2 सगे भाई और पिता पुत्री हैं शामिल। दोनों परिवार की मौत के बाद मचा कोहराम। बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव सिंगरौली निवासी कृष्णपाल अपने भाई चंद्रपाल और गांव के ही हीरालाल 55 वर्षीय सोमवार को रात बाइक से जाते हुए हुए दुर्घटना के शिकार। ग्वालियर में 1,000 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण में 40 करोड़ की गड़बड़ी के मामले में सहायक यंत्री निलंबित। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के निरीक्षण के बाद पहली बार हुई कार्रवाई। PIU के सहायक यंत्री एवं प्रभारी संभागीय परियोजना यंत्री की PIU को किया गया निलंबित। सहायक यंत्री प्रदीप अष्टपुत्रे का प्रभार अब कार्यपालक यंत्री अनिल जैन को। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला। OBC आरक्षण की मांग करने वाले सियासी दलों के विशेष रूप से राज्य सरकार को लगा बड़ा झटका। सर्वोच्च न्यायालय में राज्य चुनाव आयोग को दिए गए निर्देश कि वह मध्य प्रदेश पंचायतों के चुनाव को जल्द कराए, इसके लिए 2 सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करने के दिए गए निर्देश। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में निर्माणाधीन मकान में एक औरत का निकला शव। उसी के घर की नाली में पत्थरों से दबी महिला की लगभग 15 दिन पुरानी बताई जा रही है लाश। पुलिस जांच में जुटी। नालंदा पूर्व जिला परिषद सदस्य के बेटे की गोली मारकर हत्या। बर्तन की दुकान पर बैठा था युवक, तभी पहुंचा अपराधी। 26 वर्षीय इंद्रजीत उर्फ अंशु कुमार की हुई हत्या के कारणों का खुलासा नहीं। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। छत्तीसगढ़ में पहली बार दिखा दुर्लभ प्रजाति का सर्प। शर्मीले सांपों की गिनती में है शामिल, जिसे एरो हेडेड प्रिंटेड के नाम से जाना जाता है। रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्किट हाउस में हुए रेप कांड मामले को लेकर आप पार्टी का प्रदर्शन। कमरा आवंटित करने वालों पर कार्रवाई की गई मांग। मुंह दिखाई में मांगी नवविवाहिता ने सड़क। भाजपा सांसद सतीश गौतम ने लिया गंभीरता से, शुरू हो गया निर्माण कार्य। अलीगढ़ केहर क्षेत्र के गांव कसीसों का है मामला। महाराष्ट्र के अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा फिर सुर्खियों में। मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनके इलाज के दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होने से हुआ विवाद। उत्तराखंड पुलिस के एक अधिकारी ने विभाग और समाज के लिए एक और पेश की नजीर। जीते जी ऐलान किया देहदान का संकल्प। जीवन के बाद भी जारी रहेगा जनसेवा। मृत्यु उपरांत एम्स ऋषिकेश को दिया जाएगा दान। कृषि कर्ण सिंह उत्तराखंड पुलिस के बने पहले ऐसे अधिकारी। शाहीन बाग का बुलडोजर सभी राजनीतिज्ञों की बना पसंद। भाजपा अवैध निर्माण हटाने के बहाने अपनी राजनीतिक लाभ साधने की कोशिश, तो आम आदमी पार्टी बुलडोजर कार्रवाई रोकने की कोशिश कर अपने समर्थकों की पैठ बनाने की कोशिश।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, एक बाइक पर सवार थे आधा दर्जन लोग। यात्रियों से भरी ई बस पेड़ से टकराई, कई यात्री चोटिल, कानपुर जनपद में चकेरी इलाके में हुई घटना। इंदौर सांसद लालवानी ने सीएम शिवराज सिंह की मुलाकात, विकास के मुद्दों को लेकर की चर्चा। मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन पर ताजा अपडेट, 5.50 लाख किसानों के खातों में 4,817 करोड़ ऑनलाइन हुआ ट्रांसफर। इस वर्ष 4,225 केंद्रों पर 19,76,628 किसानों ने उपज विक्रय के लिए कराया है पंजीयन, विगत वर्ष का बताया जा रहा है 80%। योगी सरकार में एक और किसान ने की खुदकुशी, 25 वर्षीय किसान ने 2.5 लाख रुपए के कर्ज में फंसने के बाद कथित तौर पर फांसी लगाकर की आत्महत्या। किसान प्रताप सिंह को जरीच नगर इलाके में अपने बैलों को बांधने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सी में पाया गया लटकते हुए। उदयपुर और डूंगरपुर में निजी बसें 2 दिन में पकड़ी गई, 2,543 किलोग्राम चांदी। खास बात यह है कि दोनों ही कार्रवाई गुजरात से आने वाली बसों में हुई। दिल्ली में संगठित अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत महज 7 दिनों में कुल 22 मामले दर्ज, 94 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। इसमें गैम्बलिंग एक्साइज और NDPS एक्ट के तहत की गई गिरफ्तारियां। नरोदा में एक पुलिसकर्मी के एक हमले में घायल होने पर फरवरी के महीने में 28 दिन होने के बावजूद 31 फरवरी तक भर्ती होने का मामला आया सामने, कोर्ट में जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस किया जारी। इंदौर में लकड़ी की 6 दुकानों में लगी भीषण आग, सुबह तक नहीं मिली बुझाने में सफलता, लाखों का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 साल की उम्र में हुआ निधन, 6 महीने से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे संतूर वादक। शिवराज सरकार पर कमलनाथ हुए आक्रामक, बोले OBC आरक्षण के लिए कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक की लड़ेगी लड़ाई। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।